हेलो दोस्तों, राम राम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज का एक और न्यू ब्लॉग सुबह के करीब बज चुके हैं 6, तो सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, और इस टाइम पे मैंने किचन में हूँ, सब्जी वगैरह जो मैंने अभी बनाई है वो गोभी और आलू टमाटर है ना। सब्जी अपनी बन चुकी है। आज बच्चे बोल रहे हैं हम रोटी नहीं लेके जाएंगे, बाटी लेके जाएंगे। बाटी बनाई थी आज हमको, तो बाटी रखी थी, तो उनको हल्की सी गर्म कर दूंगी जब पे। और आज मुझे करनी है किचन की साफ़ सफाई थोड़ी सी, ये मतलब पूरे बर्तन वगैरह सबको साफ करना है। और मौसम आप देख ही रहे हो, एकदम अभी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है ना। नीचे का काम कंप्लीट करूँगी, मैं छत पे आ जाती हूँ, मुझे ये कर लेती हूँ नीचे। सुबह जल्दी खड़ी हो जाती है, सुबह का कितना एकदम हल्की हल्की सी ठंडी महसूस हो रही है। और इसमें चढ़ा दी मैंने छाछ, घी आ गया, घी जी निकालेगी जब तक, मैं अपना काम कर लेती हूँ। बाकी काम मैंने कर दिया, ऊपर के अखबार वगैरह चेंज कर दिए पूरे, और उनको साफ करके रख दिया। और अब नीचे के बॉक्सों को साफ कर लेती फटाफट से। दोस्तों सारे बर्तन वगैरह इधर धो दिए, अब सिर्फ इनको जमाना बाकी है। गाइस मैं जमा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चे मिड टर्म की तरफ हो रहा है, स्कूल का टाइम। तो हिंदी तुम जाओ ना, आ जाओ। तो गाइस मैंने अखबार वगैरह तो चेंज कर दिया ऊपर के, अब मैं ये बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से। और फिर बच्चों का टिफिन पैक करना है मुझे, सोच रही हूँ एक बार साफ सफाई हो जाए तो ठीक है। कर दे दो रसोई की साफ सफाई, इस रसोई की भी रसोई में जी धीरे झाड़ू भी हरे। दोस्तों चलते अंदर देखते हैं क्या करें। दोस्तों दादा इधर देख रहे हैं संचार, दोस्तों मामा इधर देख रही है झाड़ू। दोस्तों इधर चल रहा है साफ सफाई अभियान, और देखो ये खड़ा ही रुमाल है, कर दिया खराब है। ले तो जाने लग रहे हैं, अब जा रहा है फटक जाने इतना लगे तो जाने जा सकते हैं कि जाड़ा जाड़ा फाट दिया ठीक है। बाकी पता नहीं दीवार ने जगह क्यों छोड़ दी ऊपर से, जा उसको कमेंट करके बताना ऐसे मकान दीवार जगह से होता है, दीवार में जब क्या वो होता है ऐसे क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है ये बताओ कमेंट करके। इसमें ऐसे क्या करेंगे ठीक हो जाए। तो बाकी कपड़े फाड़ने में दीवार दे दे रही है, कर दिया जो दीवार खराब ठीक है। आपका कितना रहे पूछो अभी कितना रहे। मैं कहीं ऊपर की साफ सफाई कर रहा हूँ, काफी टाइम लगो दोनों रसोई में, कुछ छत की कुछ चीज अंदर भी तो जड़ गई फाइनली मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। उन्हीं की तरफ हम उधर आएंगे पानी, और इधर को मैं चल रही अभी शादी करके गई थी, झाड़ू पोछा में काफ़ी टाइम लग गया। और बर्तन अभी साफ करे चाय पीती बीच में, आज क्या
पूरे ऊपर नीचे की साफ सफाई हुई थी ना, इस वजह से। वो पानी भरने के लिए गया, मैं जाती हूँ अरे छोड़ यार, गोबर गेरूंगो, गोबर गोबर गिर जाओ बट भाई, चप्पल पैर चल जल्दी चल ला जा, जल्दी चल आ जा। तो दोस्तों देखो, ये चोरी कर रही है, अमरूद आ रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे अमरूद आ रहे हैं, लेकिन ये है ना चोरी करने में लगी हुई है, ये पिटने का काम करेगी। एक खा लो तो। हाँ तो कच्चा नहीं, क्यों तोड़े, भी थोड़ा पकवा देती ना, कच्चे खा लो, कच्चे खा लो, डुग्गू डुग्गू तो खा गई ना, देख लो मतलब इसमें अमरूद आ रहे हैं, लेकिन बचा के रख रहे हैं क्या जानवरों से, नहीं तो सबको काट काट के गिरा देते हैं, गिलहरी वगैरह। शाबाश, देख तसला भरेगा ये तो पूरा। और चाहिए डुग्गू? अब ना बेटा, अब ना आए तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अब ना आए, देख जो अटैक अटैक नहीं यार, यार तोड़ लिया, हाँ कच्चा ने तोड़ खा लिया, लड्डू बाद यहाँ में कोई घुस जाए वो नहीं, देखो आज खागी थोड़ा का अमरूद ही खागी, लखो आज खाओ, चल अरे लड्डू खा बैठे है लड्डू, आए मजा आ रहा है लड्डू है, और हमारे चिल्लर पार्टी आई है स्कूल से, अभी इसको कुछ मिला नहीं, निक्की को मिल गया कचौरी, इसने बवाल कर रखा है, डुगु आए कूद मत जा, तू आराम को रहे, मिलना चाहिए ना कचौरी तो, इधर डुगु का सबर नहीं है बिल्कुल भी। क्या चाहिए? पापा परेशान हो गए आप? अरे तो यार तो फाड़ दी आवाज, तो देखो दोस्तों देखो दादा आए हैं, अभी मार्केट से देखते क्या लेके आए हैं, अरे देखो डुगो के दस डायरेक्ट ठीक है, मतलब कोई साफ सवाल ना आए तुम्हारे लोग दो, क्या लेके आए हैं दादा? ये मम्मी क्या काट रहे हो बेटा? मेथी पालक, चने की सब्जी लेके आई थी आपकी मम्मी जी, पति देव जी काट लेके सब्जी, कट गई सब्जी, औसत कटना है पालक बारीक है, काट रही जब भी नाव धर रहे नाव है, नाम रखूंगा और करूँ का। अच्छा थोड़ी स्पीड से, और कितनी स्पीड से कटे, तू तो आज टिफिन पैक कर दे वाली है ना सब्जी को, मैं सब्जी रख दूंगा टिफिन में,